हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज दीक्षा ने जिद करके उमा जी को मॉल में शॉपिंग के लिए ले गई थी और उमा जी पूरा मॉल घूम घूम कर थक चुकी थी। पर दीक्षा का तो पता नहीं क्या खरीदारी करनी है, लगता है आज पूरा मॉल ही उठा के लेके जाएगी। उमा जी बोली, दीक्षा बेटा बस करो, अब घर चलते हैं। माँ, बस यह लास्ट शॉप है, इसमें मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए, प्लीज माँ। ओके दीक्षा चलो, उमा जी बोली तो दीक्षा का चेहरा खिल गया। उमा जी दीक्षा से बोली, बेटा तुम्हें जो लेना हो देखो, तब तक मैं बाहर कॉरिडोर में हूँ। ओके माँ, और दीक्षा चली गई। उमा जी मॉल के कॉरिडोर में आ गई। उसे कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक चेहरा जाना पहचाना से दिखाई दिया। वह ध्यान से उसे देख रही थी और उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगी। अरे यह तो सुहानी है, वह मन ही मन बोली। वह आगे बढ़ी ही थी कि दीक्षा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माँ यह कैसा लग रहा है। उमा जी ने जल्दी से कहा, दीक्षा ठीक लग रहा है, जाओ पेमेंट कर दो। और वह सुहानी के पीछे लगभग दौड़ पड़ी, आवाज भी लगाई, अरे सुहानी, ओ सुहानी। लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। उमा जी ने देखा कि सुहानी के साथ एक पुरुष भी है, लेकिन यह क्या, यह तो अमित नहीं है। सुहानी के साथ तो अमित को होना चाहिए था, तो यह कौन है। उमा जी को वह बात पुरानी यादें आने लगी, जब पहली बार सुहानी उससे मिली थी। एक दिन उमा अपने पापा के साथ स्कूटर से बाजार जा रही थी कि अचानक से सड़क के किनारे एक लड़की ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। पापा ने स्कूटर रोक दिया। उमा ने देखा एक बहुत सुंदर लड़की, लगभग उसकी उम्र की है, और हंसकर बोली, सॉरी अंकल जी, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे। पापा ने उमा की ओर देखा। उमा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सुहानी जल्दी से स्कूटर में बैठ गई। उमा देखते ही रह गई। रास्ते में सुहानी ने बताया कि वह बगल के कॉलोनी में रहती है, तो उमा ने कहा कि मैं भी वहीं रहती हूँ। संयोग से सुहानी का घर उमा के घर के नज़दीक ही था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैसे दोनों सहेलियों के व्यवहार भिन्न थे, जहाँ सुहानी चुलबुली और मुँहफटी थी, वहीं उमा बहुत सौम्य थी। कॉलेज में सुहानी उमा से दो क्लास पीछे थी, लेकिन उसकी दोस्ती सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा थी। कुछ भी हो, लेकिन सुहानी उमा को बहुत मानती थी। उमा की क्लास में अमित पढ़ता था। अमित बड़ा ही होशियार और विनम्र स्वभाव का लड़का था। उमा को मैथ में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वह अमित से ही पूछती और अमित चुटकियों में हल कर देता। क्लास से बाहर अमित उमा और सुहानी की तिगड़ी मशहूर थी। उमा अमित को पसंद करती थी और उसे लगता था कि अमित भी उसे पसंद करता है। उमा कभी कभी सोचती कि वह अमित से एक बार पूछे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा कि एक बार कॉलेज खत्म हो जाए तो फिर पूछेगी। वैसे अमित उसे पसंद करता है, यह उसको विश्वास था। भले ही अमित ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से उमा को पूरा विश्वास था। वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था, सभी अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए। उमा और अमित साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे, लेकिन अब सुहानी कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनके साथ ही पढ़ाई करती थी। कभी अमित के घर तो कभी सुहानी के घर। उमा देखती थी कि सुहानी बार बार कुछ भी पूछने के बहाने अमित के पास ही रहती थी। उमा यह देखकर जल जाती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उमा अमित की ओर देखती तो उसका शांत चेहरा देखकर संतोष कर लेती कि चलो, अमित की तरफ से कुछ ऐसा नहीं लगता है। यह तो सुहानी ही है जो अमित से चिपकने की कोशिश करती रहती है। एक दिन उमा ने सुहानी से कहा कि वह अपनी तैयारी स्वयं करे, क्योंकि वह और अमित एक ही क्लास में हैं, तो आज वह सिलेबस का कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सुहानी तुरंत ही बोली, आज तो मैं और अमित मूवी देखने जा रहे हैं। उमा यह सुनकर अवाक रह गई। उमा कुछ पूछती कि इससे पहले ही अमित आ गया
और बोल पड़ा, हाँ उमा तुम चलती हो तो अच्छा होता, लेकिन आजकल तुम्हें तो पढ़ाई के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अच्छा हुआ सुहानी ने यह प्लान बनाया, अब कुछ दिमाग अच्छा होगा। चलो सुहानी टाइम हो गया है। उमा वहाँ खड़ी मुंह देखती रह गई और वे दोनों चले गए। उस दिन उमा बहुत रोई थी, उसने कुछ पढ़ाई भी नहीं की, सरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में रोती रही। अब उमा ने अपने घर पर ही अकेले पढ़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी अमित का फोन आ गया। अमित बोला आज वह उसके घर आ रहा है पढ़ाई करने, और उसने सुहानी को आने के लिए मना कर दिया है। उमा यह सुनकर तो बहुत खुश हुई कि चलो आज वह जरूर अमित से अपने मन की बात कहेगी। अमित घर आया तो उमा को देखकर दंग रह गया। उमा ने आज से पहले ऐसा मेकअप नहीं किया था, उमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। अमित ने पूछा कहीं जा रही हो, उमा ने कहा नहीं। तो फिर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। अमित बार बार पिछले दिन की बात कर रहा था, मूवी कैसी थी और सुहानी की बातें। उमा यह सब सुनकर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। उमा अचानक चिल्लाई, अमित बस करो, सुहानी जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। अमित मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। मैं इतना ही बोल पाई थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी, उसने देखा तो सुहानी थी। उमा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन सुहानी सीधे अमित से लिपट गई और बोली अमित पापा ने हाँ कर दी है। यह सुनकर अमित भी खुशी से चिल्लाया। उमा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, शोर सुनकर उमा की माँ कमरे में आ गई। अमित ने माँ के पैर छुए और बोला आंटी जी आशीर्वाद दीजिए। माँ बोली मेरा आशीर्वाद तो तुम बच्चों के साथ हमेशा रहता है, पर यह तो बताओ बात क्या है। सुहानी हंसती हुई बोली आंटी जी मेरी और अमित की शादी के लिए पापा मान गए हैं। यह सुनते ही उमा स्तब्ध रह गई। माँ ने उमा की ओर देखा, माँ जानती थी कि उमा अमित को पसंद करती है। माँ ने अमित और सुहानी को बधाई दी। अमित और सुहानी ने उमा की ओर देखा तो उमा धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, और कुछ देर बाद अमित और सुहानी चले गए। उमा अपने कमरे में बंद हो गई। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय वह बहुत दुखी है। शाम को जब उमा कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखें फूली हुई थी। माँ ने उमा को समझाया जब अमित उसको नहीं सुहानी को पसंद करता है तब सुहानी को ही अमित के साथ होना चाहिए, उमा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद परीक्षाएं शुरू हो गई और एक महीने बाद रिजल्ट आया। उमा ने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, अमित भी अच्छे नंबरों से पास हुआ, सुहानी भी फाइनल में पहुंच गई थी। अमित और सुहानी ने उमा को बधाई दी। उमा का मन अब इस शहर में नहीं लग रहा था, इसलिए उमा पटना शिफ्ट हो गई। वहां उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और उत्तीर्ण भी किया। धीरे धीरे वह अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि अमित और सुहानी को भूल गई, और कभी याद आते भी तो अपने आप को काम में और व्यस्त कर लेती। पंकज उमा के सीनियर थे, वह बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे। अचानक एक दिन पंकज के घर वालों की तरफ से रिश्ता आया तो उमा ने भी हाँ कर दी। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उमा का मन हुआ कि अमित और सुहानी को भी बुलाए, पर माँ ने बताया कि सुहानी का परिवार तो यहाँ से चला गया है और अमित तो विदेश गया है। उमा अपनी घर गृहस्थी में और अपने काम में व्यस्त हो गई। कब शादी के 15 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला, और आज इतने वर्षों बाद सुहानी को देखकर उसे पिछला सब याद आ गया। अब उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, उसका मन सुहानी से मिलने का कर रहा था, लेकिन कैसे मिले। आज सुबह उमा ऑफिस पहुंची तो
समाचार पत्र का एक पन्ना देखकर स्तब्ध रह गई। सुहानी की फोटो देखा और फिर बहुत ध्यान से समाचार पढ़ा तो पता चला कि सुहानी एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई थी। सुहानी की फोटो सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी। उमा ने दोबारा उस फोटो को ध्यान से देखा कि शायद कोई और हो, लेकिन फोटो सुहानी की ही थी। उमा सुहानी से मिलने के बारे में सोचती रही। उमा ने ज्वेलरी शॉप का नाम देखकर उसको खोजा और उस शॉप का नंबर ढूंढा और फोन किया। वहां से उसे पता चला कि सुहानी के साथ एक पुरुष भी था, लेकिन उसकी फोटो वायरल नहीं हुई थी। केस जिस थाने में दर्ज था, उमा ने वहां के दरोगा से बात की और सुहानी के बारे में पता किया। अगले दिन सुबह से ही उमा व्यस्त थी, क्योंकि उसके घर में पंकज के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले थे। पंकज का प्रमोशन हुआ था तो वह छोटी सी पार्टी कर रहे थे। उमा को ऑफिस भी जाना था, कुछ अधूरे केस निपटाते हुए बहुत जरूरी थे। शाम को उमा ऑफिस से घर आई तो उसकी बेटी दीक्षा और मेड लक्ष्मी ने काफी काम निपटा दिया था। रसोइये ने खाने का इंतजाम भी कर दिया था। दीक्षा उमा से बोली, माँ देखा, मैंने सारा काम कर दिया, और माँ से लिपट गई। उमा भी दीक्षा को शाबाशी देने लगी। दीक्षा जब उमा से लिपट पड़ी तो अचानक उसे सुहानी की याद आ गई। वह भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में उमा से लिपट जाया करती थी। पता नहीं वह चोरी क्यों कर रही थी, क्या अमित उसे मना नहीं करता। उमा सुहानी के बारे में सोचने लगी। उमा ने सोचा कि कल वह जरूर सुहानी से मिलेगी, पर क्या कहेगी उससे कि उसने सुहानी को न्यूज़पेपर से पता लगाया है। सुहानी को शायद यह अच्छा नहीं लगेगा। उमा यह सब सोच रही थी कि तभी पंकज का फोन आया। फोन पर पंकज ने उससे पूछा, उमा एक कपल ज्यादा आ रहे हैं, पार्टी में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। उमा ने कहा, नहीं कोई समस्या नहीं, आप आमंत्रित कर लीजिए। शाम 7 बजे सभी गेस्ट आना शुरू हो गए। उमा सबसे मिल रही थी। कुछ लोगों को वह पहले से ही जानती थी, पर कुछ नए अफसर भी थे। सभी पार्टी में मशगूल हो गए। बातों का दौर चल रहा था। पंकज को सभी बधाई दे रहे थे। उमा को भी बहुत खुशी हो रही थी। उमा किचन में जाकर बार बार चेक कर रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। तभी पंकज ने आवाज दी, उमा जरा यहाँ आना। उमा बालों को ठीक करते हुए आई। पंकज ने कहा, उमा यह मिस्टर श्रीवास्तव हैं और यह उनकी दोस्त शबनम है। और जैसे ही शबनम ने उमा की तरफ हाथ बढ़ाकर हेलो कहा, वैसे ही उमा अवाक रह गई और उसके मुंह से धीरे से निकला, सुहानी। उमा यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि सुहानी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वह एकदम सामान्य थी। उमा का सिर चकराने लगा। उसके दिमाग में यही घूमने लगा, शबनम और सुहानी, और वह बेहोश हो गई। जब उमा को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। पंकज और दीक्षा उसके पास ही बैठे थे। उमा अपने को संभालती हुई उठी और बाहर जाने का प्रयास करने लगी, लेकिन पंकज ने उसे पकड़कर वापस बेड पर बैठा दिया और बोले, उमा अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। उमा बोली, लेकिन पार्टी। पंकज ने कहा, पार्टी खत्म हो गई है, सब गेस्ट जा चुके हैं। उमा ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे। उमा बोली, लेकिन मुझे क्या हुआ था। कुछ नहीं, तुम्हारा बीपी हाई हो गया था। अब तुम आराम करो, शायद पार्टी के रख रखाव में तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। दीक्षा भी घबराई सी माँ से चिपकी थी। उमा ने कहा, अरे दीक्षा मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेटा जाओ तुम जाकर सो जाओ। दीक्षा ने माँ के माथे को चूमा और अपने कमरे में चली गई। उमा ने पंकज से पूछा, वो शबनम। तभी पंकज बोल पड़े, उमा अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करते हैं। और पंकज सो गए। उमा सोने का प्रयास करती रही
लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार शबनम यानी सुहानी का चेहरा याद आ रहा था। सुबह उमा ने पूछा, पंकज वह कल पार्टी में मिस्टर श्रीवास्तव कौन थे? आपके दोस्त के साथ कभी नहीं देखा। पंकज ने बताया, मिस्टर विजय राज श्रीवास्तव एक बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वह यहाँ कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। वह पहले कानपुर में रहते थे। उमा बोली, अच्छा, लेकिन वह उनकी दोस्त शबनम, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह तो उस दिन श्रीवास्तव जी ने मुझसे पूछा था कि क्या वह किसी मित्र को अपने साथ ला सकते हैं, तो मैंने हाँ कह दिया था। ओह, उमा के मुंह से निकला, पंकज ने कहा कि वह ऑफिस जा रहा है और आज तुम छुट्टी ले लो और रेस्ट करो। ओके बाय। यह कहकर पंकज ऑफिस चले गए, पर उमा का सिर अभी भी भारी भारी लग रहा था। थोड़ी कमजोरी भी लग रही थी। दीक्षा के कमरे में जाकर देखा तो दीक्षा सो रही थी। रात को दीक्षा देर तक जगी थी। बेचारी दीक्षा, उमा ने दीक्षा को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया, फिर लिव एप्लीकेशन भर कर भेज दिया और वह सोफे पर थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही। अचानक उसने मोबाइल में विजय राज श्रीवास्तव एडवोकेट सर्च किया तो उसे उनका नंबर मिल गया। शायद ऑफिस का नंबर है। उमा ने तुरंत कॉल किया। एक लड़की आवाज आई। उमा ने उनसे मिलने का समय मांगा। उसे अगले दिन सुबह का समय मिल गया। शाम को पंकज घर आए तो उमा का मूड देखकर संतोष कर लिया कि चलो सब ठीक है। तीनों देर तक बातें की। दीक्षा पार्टी की बातें कर रही थी। अचानक दीक्षा ने कहा, माँ जब आप बेहोश हो गई थी, शबनम आंटी ने जल्दी से आपके सूज निकालकर पैर सहलाने लगी थी। मुझे तो वह बहुत अच्छी लगी। पंकज ने भी कहा, हाँ वह बहुत ही अच्छी महिला थी। अगले दिन सुबह उमा जल्दी तैयार हो गई तो पंकज ने कहा, उमा तुम आज भी छुट्टी लेकर रेस्ट करो। उमा बोली, हाँ मैं आज छुट्टी ही ले रही हूँ। आज मुझे मेरी दोस्त सिमरन से मिलने जाना है, उमा ने बहाना बनाया। ओके कोई बात नहीं, जाओ। और यह कहकर पंकज ऑफिस चले गए और दीक्षा अपने कॉलेज चली गई। उमा ने गाड़ी निकाली और ड्राइवर को मना कर दिया। उमा लगभग 15 मिनट के बाद उस लड़की द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गई। मिस्टर श्रीवास्तव का ऑफिस काफी बड़ा था। उमा ने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बैठने का इशारा किया। उमा इंतजार कर रही थी कि तभी विजय राज के केबिन का दरवाजा खुला और शबनम यानी सुहानी बाहर निकली। लेकिन वह बहुत परेशान दिख रही थी। शायद वह बहुत रोई थी क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। अवसाद की रेखाएं साफ साफ दिख रही थी। वह मुड़ी ही थी कि उमा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर उमा ने कहा, सुहानी। शबनम चिल्लाई, मैं शबनम हूँ, सुहानी नहीं। आप उस दिन पार्टी में भी मुझे सुहानी ही कह रही थी, लेकिन मेरा नाम शबनम है। शायद आप किसी और को ढूंढ रही हैं। और वह जाने लगी। उमा ने फिर उसे पकड़ कर कहा, सुहानी मैं सही पहचान रही हूँ, तुम सुहानी ही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? और तुम्हारी यह हालत? शबनम फिर से चीखी, मैं सुहानी नहीं शबनम हूँ। तुम बकवास बंद करो, लगभग पूरी शक्ति लगाकर उमा जोर से चिल्लाई। तब शबनम यानी सुहानी हक्की बक्की रह गई। फिर सुहानी उमा से लिपट गई। उमा और सुहानी एक दूसरे से लिपट कर रोए जा रही थी। दोनों सहेलियों की सोच उस समय एक जैसी हो गई। लोग क्या कहेंगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उमा ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बीच बीच में उमा के भी आंसू निकल आते थे। पता नहीं यह कैसा एहसास है। उमा सुहानी को लगभग सहारा देकर ऑफिस से बाहर कार तक लाई। सुहानी के बहुत रोने की वजह से वह एकदम शांत हो गई थी।
फिर दोनों दोस्त वहां से एक रेस्टोरेंट में गए। दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में बैठी थी। उमा ने दो कॉफी का ऑर्डर दिया और सोचने लगी कि बात कहां से शुरू करूं। पूछने को तो बहुत कुछ है, पर शुरू कैसे करूं? फिर भी उमा ने साहस भर कर पूछा, सुहानी तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? पार्टी में मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी, पर तुमने क्यों नहीं पहचाना? उमा एक सांस में सब बोल गई। सुहानी ने एक गहरी सांस ली, फिर बगल वाली खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बहुत लंबी कहानी है उमा, मैं तुमसे नजरें चुरा रही थी। पार्टी में अचानक तुमसे सामना हो गया तो न पहचानने का नाटक किया, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार मानती हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। सुहानी तुम मेरी गुनहगार? नहीं सुहानी, यह सब बीती हुई बातें हैं। अच्छा सुहानी, मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि तुम चोरी करते पकड़ी गई थी। यह बोलते बोलते उमा के शब्द लड़खड़ाने लगे। सुहानी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद सामान्य होने पर सुहानी ने कहना शुरू किया, अमित से मैंने कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि अमित के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे। तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद हम अमित के घर शिफ्ट हो गए। अमित के घर में मेरी हालत ठीक नहीं रहती थी। अमित के परिवार वाले हमेशा मुझ में कमियां निकालते, मेरे और अमित के बीच गलत फहमी पैदा करते रहते थे। धीरे धीरे अमित का व्यवहार मेरे लिए लापरवाही वाला हो गया। हमारा प्यार तो हवा की तरह उड़ गया। मैं लाख कोशिश करती, लेकिन उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते, और अब तो अमित भी हमेशा नाराज रहता था। अमित का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। कभी कभी मुझे ग्लानी होती थी कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं जानती थी कि तुम अमित को पसंद करती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी अमित से नहीं हुई। खैर, जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। कई डॉक्टरों से सलाह लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक दिन शाम को अमित ऑफिस से घर आया तो बड़ा खुश हुआ था। पूछने पर बताया उसकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग गई है, अगले 10 दिनों में वह चला जाएगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो यहाँ के लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अमित बोला वह अकेला ही जा रहा है। यह सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर वज्रपात हो गया हो। मैंने अमित से लाखों मिन्नतें की, लेकिन वह अकेला ही चला गया। अमित को गए अभी 1 हफ्ता भी हुआ था कि एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे तो खुशी से आंसू आ गए। लेकिन यह क्या, अमित के घर वाले मुझ में लांछन लगाने लगे, मुझे बच्चलन कहने लगे, इस बच्चे को अपने घर का वारिस मानने से इनकार करने लगे। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। अमित को फोन पर बताया तो वह भी मुझ पे ही शक करने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि न खुश हो पा रही थी और न गम मना पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अमित के फोन आने कम हो गए। उसके घर वालों का रवैया मेरे लिए बद से बदतर होता जा रहा था। मैं अपने मायके जाने का सोच रही थी कि एक दिन माँ का फोन आया। माँ ने रो रो कर बताया कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है। मैं अपनी हालत माँ को कैसे बताती। खैर, पापा का ऑपरेशन हुआ और पापा ठीक हो गए। लेकिन मैंने अपने और अमित के बीच के तनाव को कभी माँ पापा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब तो अमित को फोन करने पर वह फोन ही नहीं उठाता था। उसे मेरे या होने वाले बच्चे के बारे में कोई जानने की इच्छा नहीं होती थी। इधर डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी। अमित के घर वाले मुझे घर से निकल जाने को कह रहे थे। अमित फोन नहीं उठा रहा था। मैं तो जैसे पागल होती हुई जा रही थी। थक हार कर
मैं माँ पापा के पास चली गई। पापा पूछते कि अमित कब आ रहा है, तो मैं टाल देती। बहाने बनाते बनाते मैं ऊब चुकी थी। आखिर कब तक बहाने बनाऊंगी? कई बार सोचा माँ को सब सच बता दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। उमा ध्यान से सुहाने की दर्द भरी बातें सुन रही थी। उसे अमित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना बदल गया अमित, एक औरत के लिए संवेदना रहित कैसे हो सकता है कोई? अमित ने सुहाने के ऊपर कितना अन्याय किया है। सुहानी बोली, भगवान ने कैसा भाग्य लिखा था मेरा। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। माँ पापा सब बहुत खुश थे, लेकिन बेटी की जन्म की खुशियाँ मना भी ना पाई की। इतना कहकर सुहानी फिर से रोने लगी। उमा ने उसका हाथ थामा तो वह थोड़ा संभल गई और बोली, पापा ने इसी खुशी को अमित को फोन लगा दिया। काश उस दिन अमित फोन न उठाता, लेकिन उस दिन उसने फोन उठा लिया और पापा को सब कुछ बता दिया कि उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह उसकी बेटी नहीं है। पापा यह सदमा सह नहीं पाए और हार्ट अटैक आ गया और आनंद फानन में पापा इस दुनिया से चल गए। माँ तो जैसे विक्षिप्त हो गई। कहते हैं समय बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन जिसका पूरा शरीर ही नहीं आत्मा भी छलनी हो गई हो, उसका समय मरहम कैसे हो सकता है? यह कहकर सुहानी रुक गई। उमा ने पूछा, सुहानी तुम्हारी बेटी कहाँ है, कितनी बड़ी हो गई है? बेटी की बात आते ही सुहानी के चेहरे पर रौनक आ गई। सुहानी ने बताया कि वह एक हॉस्टल में रहती है, 10वीं में पढ़ रही है, बस उसी की पढ़ाई के लिए ही तो। और यह कहते कहते सुहानी रुक गई और आंखें झुका ली। उमा ने पूछा, तुम मिस्टर श्रीवास्तव को कैसे जानती हो? सुहानी ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं अमित और उसके घर वालों के खिलाफ केस किया था। विजयराज श्रीवास्तव ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन वह इंसान नहीं भेड़िया है भेड़िया। सुहानी का चेहरा तमतमाने लगा, उसकी आंखें लाल लाल हो गईं। उमा ने सुहानी को घर चलने के लिए कहा, क्योंकि काफी देर हो गई थी। सुहानी के बहुत मना करने पर भी उमा उसे घर ले आई। उमा ने सुहानी का परिचय पंकज और दीक्षा से कराया और पंकज को सब बताया। पंकज ने कहा कि वह सुहानी की हर संभव मदद करेंगे। उमा ने एक अच्छा वकील किया जो सुहानी का मुकदमा लड़ सके, और सुहानी दिन रात यही सोचती कि वह उमा के इन उपकारों को कैसे चुकाएगी। जब अमित को इस बात का पता चला कि उमा सुहानी की मदद कर रही है, तो उसने उमा को फोन करके सुहानी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा और बोला, उमा सुहानी एक बच्चलन औरत है, तुम उसकी बातों में मत आना। उमा ने अमित की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी सुहानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी तो सुहानी कुछ दवाइयाँ भी खाती थी। एक दिन उमा ने सुहानी से पूछा कि क्या बात है, यह इतनी दवाइयाँ क्यों लेती हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पर सुहानी टाल जाती थी, कहती बीपी की दवाइयाँ लेती हूँ। उमा देख रही थी कि सुहानी का चेहरा आकर्षक नहीं रहा, काला सा लग रहा था। एक दिन उमा ने सुहानी को बताया कि तुम्हारे केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। सुहानी उमा के गले लग गई। उमा को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, तब भी सुहानी ऐसे ही गले लग जाया करती थी। खैर कुछ दिन सुहानी का केस चला और अमित वापस इंडिया आया, लेकिन उमा ने उससे कोई बात नहीं की और अंत में केस सुहानी जीत गई। अमित की ओर से उसे और उसकी बेटी को 1 करोड़ गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया। सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी बार बार उमा को धन्यवाद दे रही थी और उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर पंकज ने सुहानी को बधाई दी तो सुहानी ने कहा कि इस बधाई की सही हकदार उमा है, मैं तो कब की टूट चुकी थी, लेकिन उमा ने मुझे हौसला दिया। मेरी सच्ची दोस्त उमा,
अब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन अगले दिन अचानक सुहाने की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां डॉक्टर से जो पता चला उससे तो उमा के होश उड़ गए। सुहाने पेट की बीमारी से ग्रसित थी और इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। सुहाने यह बात जानती थी लेकिन उसने उमा को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उमा सुहानी के सामने असहाय सी खड़ी थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उमा सुहानी को देखकर रोए जा रही थी। पंकज उसे संभाल रहे थे। उमा ने सुहानी का हाथ पकड़कर कहा, क्यों सुहानी, क्यों नहीं बताया? और उमा सुहानी के गले लग गई। सुहानी भी अपने आंसुओं को नहीं संभाल पा रही थी। दोनों दोस्त लिपट कर ऐसे रो रहे थे जिसे देखकर किसी भी आंखों में आंसू आ जाए। पंकज भी बहुत दुखी थे। फिर अचानक सुहानी ने उमा के सामने हाथ जोड़े और बोली, उमा मेरी बेटी। बस इतना ही सुहानी बोल पाई थी कि अचानक उसकी बोली रुक गई और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। उमा आश्चर्य से खड़ी रह गई। फिर पंकज और दीक्षा ने उसे संभाला। फिर आनंद फानन में हॉस्टल से उसकी बेटी को लाया गया। उमा ने नैन्सी को देखा तो दंग रह गई। नैन्सी की शक्ल बिल्कुल अमित से मिलती थी। नैन्सी ने अपनी माँ को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बेहोश हुई जा रही थी। फिर उमा और दीक्षा ने उसे संभाला और फिर सब लोग मिलकर सुहानी का अंतिम संस्कार किए और फिर नैन्सी को लेकर अपने घर आ गए। अब नैन्सी उन्हीं के पास रहकर पढ़ाई करती है। आज उमा के घर में बड़ी चहल पहल है क्योंकि दीक्षा का बर्थडे है। गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। उमा के दोनों बगल दीक्षा और नैन्सी खड़ी हैं। उमा ने सभी से उनका परिचय कराया और कहा, यह मेरी बड़ी बेटी दीक्षा है और यह मेरी छोटी बेटी नैन्सी है। और इस प्रकार नैन्सी भी उमा की बेटी बनकर उसी घर में रहने लगी और दीक्षा भी बहुत खुश थी क्योंकि उसको भी एक बहन मिल गई थी और सभी प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।